12th फिजिक्स, इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल हम लोग बनाए हैं एस सी वर्मा से, अब कुछ और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, जैसे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। फर्स्ट में 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected as shown in figure. Find the equivalent capacitance of the combination between X and Y। ऐसे फिगर में दिया रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 दिया है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर जुड़ा है, इसका कैपेसिटेंस C2 दिया है, और यहाँ एक कैपेसिटर जुड़ा है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। ठीक है, यह X और Y है। अब देखिए ये फिगर हो गया, कह रहा है कि X और Y के बीच जो नेटवर्क है उसके इस कम्बिनेशन के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही करना है। देखिए यहाँ पोटेंशियल मान लो भी है, तो यहाँ पोटेंशियल 0 होगा, तो इसका मतलब है कि ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या सभी कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसको ऐसे बना देंगे। यह कैपेसिटर हो गया, यह कैपेसिटर हो गया C1, C2 और यह थर्ड कैपेसिटर हो गया C3। अब यहाँ हो गया X और Y, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत आसान सवाल है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में जानते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अर्थात नेट कैपेसिटेंस बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्योंकि यहाँ आप जानते हो कि जब पैरेलल में कैसे पहचानोगे, जब ऑल कैपेसिटर्स के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस समान हो, और जिसमें चार्ज समान हो वह सीरीज में होगा। इस तरह इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लो आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो दूसरा, जैसे एक सवाल और लेते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड
B in the given figure, take C1 बराबर C2 बराबर 10 microfarad and C1, C3, C4, C5 each equal to 4 microfarad. ऐसे फिगर में दिया रहा है, देखो यह कैपेसिटेंस हो गया, यह कैपेसिटेंस हो गया, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 हो गया, इसका C2 हो गया, ठीक है। और फिर एक यह कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C3 है। अब यहाँ देखिए ऐसे यहाँ जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C4 माना गया, फिर यहाँ भी एक कैपेसिटर जुट गया जिसका कैपेसिटेंस C5 माना गया। अब देखिए यहाँ देखो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसको यह हो गया ए एंड बी, बी दोनों के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे यह बात है, अगर यहाँ पोटेंशियल हम लोग भी मानते हैं तो यहाँ क्या होगा जीरो, यहाँ पोटेंशियल भी तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा जीरो। तो इस तरह पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है इसको हम लोग अगर मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट मान लेते हैं, तो देखो इसका कैसे नेटवर्किंग करेंगे यह देखना है इक्विवेलेंट सर निकालने के लिए। एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके आधार पर यह बनेगा, यहाँ हो गया यहाँ एक कैपेसिटर हो गया, अब देखो इस दोनों टर्मिनल ए और बी के बीच हम लोग C2 कैपेसिटर आ जाएगा, बी के बीच इसको काट देते हैं C2 कैपेसिटर, अर्थात यह हो गया C1, यह हो गया आपको C2, यह हो गया C4, यह हो गया C3, यह हो गया C5। इसको ऐसे हम नेटवर्किंग कर दिए। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए और बी पर पोटेंशियल समान है, ए और बी पर पोटेंशियल समान है तो इसका मतलब है देर इज़ नो चार्ज फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, और इसका कोई एज पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल, इस इट मीन्स नो चार्ज फ्लो थ्रू C2 एंड हैंस इट हैज़ नो रोल इन द सर्किट, इसमें इस C2 का कोई रोल नहीं है। तब देखो यहाँ और यह C1 और C5 क्या है सीरीज में जुड़ा है, फिर C4 C3 क्या है सीरीज में जुड़ा है, तो इसका ऐसा फिर नेटवर्किंग कर देंगे। देखो यह हो गया कौन है C1 C5 हो गया,
ठीक है। अब देखो यह हो गया ए बी, यह हो गया सी थ्री सी फोर सी थ्री, तो सी वन सी फाइव सीरीज में, सी फोर सी थ्री यह भी सीरीज में। अब देखो और इसका कैपेसिटेंस का मान दिया है, सी वन एंड सी फाइव आर इन सीरीज, इसमें है सीरीज में, सो द नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। सीरीज में होने का मतलब क्या कि वन बाई, मान लो सी एस हम लिखते हैं सीरीज के लिए, तो क्या है वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी फाइव, और इसका वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में फोर माइक्रोफरेड, अर्थात वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर इजकल टू टू बाई फोर इजकल टू वन बाई टू हो जाएगा, तो सी एस बराबर कितना आ गया टू माइक्रोफराड आ गया। अब देखिए इसी प्रकार सी फोर सी थ्री यह भी सीरीज में, ना वो सी फोर एंड सी थ्री आर इन सीरीज, इसमें है सीरीज में, तो जब इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे अर्थात यह हो जाएगा वन बाई सी एस डैश, लिख देते हैं तो कितना हो गया वन बाई सी फोर प्लस वन बाई सी थ्री, इसका वैल्यू वन बटा फोर प्लस वन बाई फोर इजकल टू टू बाई फोर इजकल टू वन बाई टू, इसलिए सी एस डैश इजकल टू टू माइक्रोफराड, यह भी आ गया टू माइक्रो। अब इसको फिर ऐसे बनाएंगे, यह सीरीज में है तो इसका नेट क्या होगा और इसका नेट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, अर्थात ऐसे लिखेंगे ऐसे बना देंगे, यह क्या हो गया, यह हो गया आपको सी एस हो गया, और यह क्या है सी एस है और यह सी एस डैश है, दोनों पैरेलल है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल देंगे, यह ए बी होगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्रॉस ए एंड बी, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा इस सर्किट का सी एस डैश प्लस सी एस इजकल टू दोनों को जोड़ देंगे टू माइक्रोफराड प्लस टू माइक्रोफराड इजकल टू फोर माइक्रोफराड, यही इसका आंसर होगा फोर माइक्रोफराड, सी नेट बराबर आ गया फोर माइक्रोफराड, ठीक है। इस तरह नेटवर्किंग का पहचान करके आप सवाल बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री, जैसे मान लीजिए ये फिगर दिया है, एक कैपेसिटेंस सी है और इससे थ्री कैपेसिटर्स जो ऐसे जुड़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कैपेसिटेंस सी वन बराबर दे दिया है 20 माइक्रोफराड, यहाँ भी सी टू बराबर दे दिया है 20 माइक्रोफराड, यहाँ सी थ्री बराबर दे दिया है आपको 20 माइक्रोफराड, ठीक है। ये कैपेसिटेंस सी है तो कह रहा है पी और क्यू के बीच, पहले सी का कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटर का,
और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स अक्रॉस दिस आपको निकालना है। अर्थात क्वेश्चन यह हो गया, कैलकुलेट द कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटर सी, द इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या बोलो कैपेसिटर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन पी एंड क्यू। अब देखिए यह तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, तो यह पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना होगा, इन पैरेलल सी पी बराबर हो जाएगा आपको सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सबको जोड़ दिए बहुत आसान है, बेस 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 इजकल टू 60 माइक्रोफराड आ गया, कितना आ गया 60 माइक्रोफराड। अब देखो यह ऐसे हो जाएगा फिगर में, यह सी है और यह हो गया सी पी, सीरीज में हो जाएगा, यहाँ हो गया पी और यहाँ हो गया क्यू, तो नाउ सी एंड सी पी आर इन सीरीज, किसमें हो गया सीरीज में हो गया, तो सीरीज का हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही करेंगे, अर्थात नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, तो वन बाई सी प्लस वन बाई सी पी, तो ये क्या हो गया, तो सी नेट कितना है उसी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, सी नेट अर्थात वन बाई सी नेट, वन बाई सी नेट यहाँ लिखेंगे, वन बाई सी नेट आपको आ जाएगा वन बाई सी नेट का वैल्यू तो दिया हुआ है, सी का वैल्यू मालूम करना है, सी प्लस वन बाई वन बाई सी पी, अच्छा ठीक है फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद जो है सी नेट का मतलब क्या है, सी नेट इज 30, यह वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में छूट गया, तो यह हो गया वन बाई अर्थात सी नेट बराबर आ गया आपको 30 माइक्रोफैरड, तो इसलिए 1/30 इजकल टू 1/c प्लस 1/60, तो कितना हो गया 1/c इजकल टू 1/30 माइनस 1/60 इजकल क्या है, तो इसलिए c बराबर कितना हो गया 60 माइक्रोफैरड आंसर हो गया।